ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा देते हुए कल्याण में वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने घंटा नाद आंदोलन किया। भारी बहुजन महासंघ के जिला अध्यक्ष धर्मा वक्ते के मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कल्याण के तहसीलदार को एक निवेदन देकर आगामी होने वाले विधानसभा के चुनाव बैलेट पेपर पर कराने की मांग की। हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी का ओवैसी साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीनों का समय बचा है, ऐसे में ईवीएम को लेकर राजनीति फिर एक बार गर्मा रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने लोकसभा चुनाव में हार का कारण ईवीएम को बताया। राज्य में प्रकाश अंबेडकर ने सरकार और ईवीएम मशीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में कल्याण में भारी बहुजन महासंघ के कार्यकर्ताओं ने घंटा नाद आंदोलन किया और सरकार से ईवीएम मशीन बंद कर बैलेट पेपर पर वोटिंग कराने की मांग की। इस आंदोलन में भारिप के जिला अध्यक्ष धर्मा वक्ते, महासचिव बाबूराव जाधव, विधानसभा अध्यक्ष काशीनाथ गायकवाड़, महिला अध्यक्ष माया कामले, रीना रूपवत, परमेश्वर माटे, गौतम तांबे इत्यादि कार्यकर्ताओं ने घंटा बजाकर ईवीएम मशीन का विरोध किया। आदरणीय बाबा साहेब आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार ईवीएमच्या संदर्भामध्ये कल्याण डोंबिवली शहर जिल्हा महिला कमिटी, तालुका कमिटी, भारतीय बौद्ध महासभा या सर्व कमिटीच्या माध्यमातून घंटा नाद आंदोलन या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी सामील झालेले आहेत। आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या आदेशाला मानून आम्ही सर्वांनी एकत्रित येऊन आम्ही या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे। मी या ठिकाणी आलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी सांगू इच्छितो की आज आपण सर्वजण एकत्रित येऊन ईवीएमच्या संदर्भामध्ये ईवीएम हटाओ देश बचाओ अशा प्रकारची आदरणीय बाळासाहेबांची घोषणा, यापुढे देखील आपण अशाच प्रकारचे मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला आंदोलन करावं लागतील आणि आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर आपल्याला आदेश देतील। आपल्या सर्वांना कल्पना आहे येणाऱ्या झालेल्या लोकसभेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये ईवीएममध्ये घोटाळा असल्यामुळं आमचे 48 उमेदवार अगदी सेकंड नंबरवर येऊन थांबलेले होते। या ईवीएमच्या घोटाळ्यामुळं आमच्या काही उमेदवाराला निवडून येता आलं नाही, परंतु येणाऱ्या विधानसभेमध्ये आम्ही अशाच प्रकारची आंदोलन सुरू ठेवणार आहोत आणि विधानसभेमध्ये आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून बॅलेट पेपरवर मतदान होतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे।